हेलो बच्चों, सो काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर सीए वाले स्टूडेंट्स के तो बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं, तो क्या सीएमए वालों के एग्ज़ाम कैंसिल होंगे। तो बच्चों, हमारे इंस्टीट्यूट ने अभी तक पूर्णतः रहस्य बना रखा है इस बात को कि सितंबर में एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। फिलहाल एज़ पर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है उसके हिसाब से तो एग्ज़ाम होंगे, बट जिस हिसाब से कोरोना वायरस के केसेस हो रहे हैं, मैं ये नहीं चाहता। वैसे तो केसेस कम हो जाए वो अच्छी बात है, लेकिन बाद में ऐसा ना हो कि सितंबर से कुछ दिन पहले ये बोले कि अब एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे। सो पहले मई वाले एग्ज़ाम, सबको पता था मई में एग्ज़ाम हो ही नहीं सकते, उसको जुलाई में किया, सबको पता था जुलाई में भी एग्ज़ाम नहीं हो सकते, सीधा अटैम्प्ट कैंसिल किया जा सकता था, बट पता नहीं क्या रीज़न था जिसकी वजह से अटैम्प्ट कैंसिल नहीं किया गया एंड जुलाई के बाद अब उसे सितंबर का रखा गया है। इससे नुकसान उन बच्चों को हुआ है जो पहले एक ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे थे, एक ग्रुप आप जून तक अगर पढ़ते तो जून के बाद सितंबर के बीच में आपको 3-4 महीनों का जो गैप मिला था इसमें आप आराम से कवर अप कर लेते। इवन अगर पेपर सीधा दिसंबर में हो तो 6 महीनों का गैप आ गया जिसमें आराम से आप नेक्स्ट ग्रुप भी प्रिपेयर कर सकते थे। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई कि इंस्टीट्यूट ने टुकड़ों में न्यूज़ दी। टुकड़ों में न्यूज़ मिलने की वजह से बच्चे को लगा यार जून में एग्ज़ाम होने थे तो मेरे को तो एक ही महीना मिला है जुलाई का, सो वो जुलाई के हिसाब से नहीं अगले ग्रुप की तरफ गया। और फिर यही दिक्कत हुई जब जुलाई के टाइम पे उन्हें बताया गया कि सितंबर में एग्ज़ाम है, तो बीच में जुलाई और अगस्त पचा, तब फिर से उन्हें लगा कि यार 2 महीने शायद इनफ नहीं है। अब दोबारा ऐसा ना हो कि आप अगस्त के लास्ट में, आप अगस्त के बीच में आके बताएं कि सितंबर में एग्ज़ाम नहीं है, दिसंबर में है। सो मेरी इंस्टीट्यूट से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी बम फोड़ना है वो जल्दी से फोड़ दें। और बच्चे अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि एक वो जो टेस्ट फ्रॉम होम है, क्या इसी बार टेस्ट फ्रॉम होम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट को एक बार इस पॉइंट पे ज़रूर क्लियर करना चाहिए कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस के केसेस चल रहे हैं, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मेरे को दिल्ली के किसी स्कूल में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट जो लोग दिल्ली के बाहर हैं, कितने सारे स्टेट्स में एक एक सेंटर है, और काफ़ी सारे तो बच्चे जो होते हैं वो 200-200 किलोमीटर पर डे के हिसाब से ट्रैवल करते हैं। मेरी कोई एक स्टूडेंट बता रहे थे कि वो यूपी में ही एक किसी डिस्ट्रिक्ट से ट्रेन करते हैं फिर दूसरी जगह आते हैं, वो लोकल ट्रेन्स चल रही है नहीं चल रही है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं एंड इंस्टीट्यूट को एक बार इस पर विचार करना चाहिए और एक बार क्लेरिफिकेशन बच्चों को देनी चाहिए। ठीक है।